हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है और ये वीडियो जो आपके लिए लेकर आया आएँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप अगर क्लास ट्वेल्थ में हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट आपका एक रेगुलर सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का क्या होने वाला है तो सी हर साल जैसे जैसे चेंज करती रहती है तो पैटर्न भी एग्ज़ाम का चेंज हो जाता है जो इस टाइम आपका मार्च 2023 के लिए पेपर होने वाला है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्लास ट्वेल्थ का वो कैसा होगा ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो जैसा कि हमने पहले देखा था कोविड के टाइम में कुछ चेंजेस आए फिर इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पैटर्न यानी टर्म वन टर्म टू वाला सिस्टम स्टार्ट किया बट उससे पहले देखिए तो हमारा रीडिंग राइटिंग और लिटरेचर पार्ट जो होते हैं वो उनकी डिवीजन होती थी थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी यानी टोटल 80 मार्क्स का पेपर ही आपका होना था बट नाउ ऑनवर्ड्स आपका जो पेपर होगा वो रीडिंग पार्ट उसमें है 20 मार्क्स का राइटिंग पार्ट भी ट्वेंटी मार्क्स का है और लिटरेचर पार्ट की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा कर दिया फोर्टी मार्क्स की वेटेज हो गई है तो फोर्टी मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि आप जो सोचते थे कि कहानियाँ हैं या लिटरेचर की बुक्स हैं कुछ ज़्यादा यूज़ की नहीं है पास होने का तो हम रीडिंग और राइटिंग में से ही कर लेंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि रीडिंग और राइटिंग की वेटेज फोर्टी मार्क्स की और अकेले लिटरेचर की वेटेज जो है फोर्टी मार्क्स की है सो योर टास्क इज गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट सो so, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका पैसेज होगा वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी पैसेज कोई भी हो सकता है लेकिन वो आपको सीधा देगा टेन मार्क्स अब टेन मार्क्स में आपको सीधे क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आपको लिखने हैं जिसमें ऑफकोर्स आपको पता है यह टू या थ्री वर्ड्स भी होते हैं वर्ड के मीनिंग भी होते हैं तो वो भी आपको करने होंगे लेकिन पैसेज टू में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये आपका पैसेज uh, होगा केस बेस्ड होगा इसमें वर्बल या विजुअल इनपुट भी हो सकता है जैसे वो डेटा कोई ना कोई गिवन होगा उसके बेसिस पे भी, भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन सो दिस पैसेज गोइंग टू गिव यू अगेन टेन मार्क्स तो यानी आपका जो रीडिंग पार्ट है वो हो जाता है टेन प्लस टेन ट्वेंटी मार्क्स का और सेकेंड पैसेज जो है वो एम सी क्यू बेस्ड ही आपको मिलेगा ये टिल नाउ की इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ फिर हम अगर चलें क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए तो उसमें नोटिस और क्वेश्चन नंबर फोर के लिए इनविटेशन है क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए लेटर है क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आर्टिकल एंड रिपोर्ट है कहने का मतलब क्या है राइटिंग पार्ट में आपको फोर क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है मीन्स फाइव मार्क्स ईच पहले क्या होता था या तो जो आपका स्पीच है आर्टिकल राइटिंग है और इवन लेटर जो है वो टेन टेन मार्क्स के होते थे अब ऐसा नहीं है इन्होंने आपको लिखना बहुत होगा यू विल अ लॉट मुझे नहीं लगता कि थ्री आवर्स में आप एक पल के लिए भी ऊपर देख पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है बिकॉज द पेपर इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी तो यहाँ पर आपको हर जो आ, जो ये वाली आइटम है राइटिंग सेक्शन में चाहे वो नोटिस है इनविटेशन है लेटर है फिर रिपोर्ट या आर्टिकल है उसके लिए आपको फाइव मार्क्स ईच मिलेंगे और इनकी जो लेंथ है प्रेस्क्राइब लेंथ वो एज़ इट इज़ है इसमें कुछ चेंज नहीं, नहीं किया जैसे इस दोनों के अंदर 50 50 वर्ड्स की है लिमिट और लेटर और आर्टिकल uh, रिपोर्ट के अंदर आपकी 120 ट्वेंटी टू वन के वर्ड वो एज़ इट इज़ आपको फॉलो करनी है बट नाउ वी मूव टू द बिगेस्ट टास्क और वो है आपका लिटरेचर 40 मार्क्स का जो है जो काफ़ी लेंथी इन्होंने कर दिया इसमें जैसे पहले ही सिर्फ़ एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होता था बट फ्रॉम नाउ ओन वर्ड्स एक एक्सट्रैक्ट आपको पॉइंट में से मिलेगा एक एक्सट्रैक्ट आपको फ्लैमिंगो बुक में से मिलेगा एक आपको विस्टास बुक में से मिलेगा तो विस्टास की वेटेज थोड़ी सी कम है उसका रीज़न क्या है कि इसमें चैप्टर जो है वो कट किए हुए हैं और फ्लैमिंगो में से चैप्टर कम कम नहीं किए उन्होंने तो देखिए पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आपको सिक्स मार्क्स देने वाला है विस्टास बुक का जो एक एक्सट्रैक्ट होगा वो आपको फोर मार्क्स देगा और फ्लैमिंगो बुक का एक एक्सट्रैक्ट एक देगा आपको सिक्स मार्क्स का यानी तीनों में से एक एक एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं आप और इसका मतलब ये हो गया कि आप पहले सोचते थे कि टेक्स्ट पढ़ें या ना पढ़ें YouTube पे बड़े सारे चैनल्स हैं कहीं कहीं से भी स्टोरी सुन के आपका आंसर जो है करना इजी हो जाएगा बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस टाइम दिस दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू क्योंकि एक्सट्रैक्ट की एक लाइन ही ऐसी है जो आपको पदल करके रख सकती है और आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उसके बेसिस पे क्वेश्चन अगर आप पूछे जाएंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपको एन की बुक्स को अच्छे से गो थ्रू करना होगा अगर आप एन की बुक्स अच्छे से गो थ्रू नहीं करेंगे तो इट मीन्स आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और हो सकता है वो क्वेश्चन आपके जो हैं सारे रोंग हो जाएं। सो so नेक्स्ट अगर देखें एक्सट्रैक्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन फ्लैमिंगो और पोइट्री यानी फ्लैमिंग में क्या है आपके जो बुक है और उसकी जो पोइट्री सेक्शन है वो मिला के आपको फाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे टू मार्क्स ईच तो ये आपको टेन मार्क्स देंगे ऐसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखें विस्टास में से वो आपको पूछे जाएंगे टू इंटू टू यानी फोर मार्क के आपको विस्टास में से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो विस्टास की वेटेज जो है यहाँ पर भी एज़ कम्पेयर टू फ्लैमिंगो थोड़ी सी कम है बड़ा उसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि विस्टास के चैप्टर थोड़े से डिफरेंट है और फिर एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको देगा फ्लेमिंगो या पोइट्री में से यानी प्रोज या पोइट्री में से फाइव मार्क वन क्वेश्चन होगा और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाला है विस्टास में से जो आपको वन मार्क देगा इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी लाइक फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन प्लस टेन फोर्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फोर और सिक्स ए कर ली जाए तो थर्टी ये थर्टी और सिक्स हो जाते हैं फोर्टी तो 40 मार्क्स के लिटरेचर के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा तो मैंने जो है अभी रिसेंट में सारा का सारा अपना ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश का डाटा जो पुराना सारा डाटा था ऑलमोस्ट मैं उसको या तो डिलीट कर दिया है मैंने या उसको प्लेलिस्ट सेक्शन से बाहर कर दिया है और जो अपडेटेड डाटा आपको मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल के दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि यू स्टिल हैवन स्टार्टेड योर वर्क कैन गो थ्रू द वीडियोज और उसका लिंक भी अगर आप कहोगे तो ये प्लेलिस्ट सेक्शन का जो प्ले लिस्ट है कंप्लीट ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश की वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और दूसरी बात ये भी कहूंगा आपको कि ये जो मैंने वीडियोज बनाई हैं ये कंप्लीट एनसीआर टी में से ही मैंने आपको डेटा दिया है इसमें से एप्सल्यूटली एनसीआर टी की बुक्स आप चाहे सामने रख के देख लीजिएगा तो कंप्लीट जो है वीडियोस हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और साथ में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको मिलने वाली हैं तो ये तो था इंग्लिश की बात करें अगर अगर इंग्लिश का आपको जो है एटी मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा देखिए तो एटी मार्क्स के लिए आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन अब दूसरी बात करते हैं जो रेस्ट ऑफ द ट्वेंटी मार्क्स हैं तो 20 मार्क्स में अभी तक सी बी एस ई ने फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अगर देखें तो उन्होंने अभी फ़िलहाल आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है रिगार्डिंग जैसे लास्ट टाइम क्या था 10 प्लस 10 मार्क्स का डिवीजन हुआ था जब आपका टर्म वन और टर्म टू का एग्जामिनेशन होने वाला था तो इसका मतलब जो ये 20 मार्क्स अभी भी जो जो आपके जो ए एस एल के नाम के रहते हैं ये अभी भी स्टिल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है लेकिन फिर भी इतना आपको बता देता हूँ अगर पीछे वाले के अकॉर्डिंग चले तो इसमें एक फाइल आपको बनानी होगी जो आपको प्रोज या कोई चैप्टर ले सकते हैं या पोइट्री पर किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं जो ऑलरेडी मैं कुछ एक फाइल शेयर कर चुका हूँ अगर आपको किसी टॉपिक पे फाइल पूछनी है लाइक आपको लाइए कि ये इस टॉपिक पे फाइल कैसे बनेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं मैं आपकी वो भी हेल्प कर दूंगा और दूसरा जो लिसनिंग और स्पीकिंग पार्ट है उसके लिए तो इन्होंने क्या किया है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक लास्ट टाइम नहीं दिया था इन्होंने कहा था कि आप क्लासरूम के अंदर जो असेसमेंट करेंगे वो टर्म वन में दे दिया गया था पार्ट और फाइल का पार्ट टर्म टू में था तो इसलिए वो टर्म वन की जो असेसमेंट्स है उसमें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं था लेकिन टर्म टू के लिए फाइल बहुत ही अच्छी रेडी करनी थी उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलने थे तो इस बार अभी फॉर द टाइम बीइंग आप रुक सकते हैं वेट कर सकते हैं जब तक सीबीएसई का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तो आई होप सो रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न आपको कोई अगर डाउट होगा तो क्लियर हो चुका होगा अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फ्री आप ओपन हैं, आप आप कर लीजिए कमेंट कीजिए मैं आपको आपका रिप्लाई जरूर दूंगा सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।